हाय एवरीवन, टापूस कॉर्नर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पंजाबी एक मसाला। तो पहले हम अंडे को उबल के रखे थे, अभी अंडे के ऊपर मिर्च पाउडर और हल्दी दे के कोट कर लेंगे। फिर दूसरा कटोरा में दही लेंगे, दही को अच्छे से फेंट लेना। इसमें अभी हम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला देके मिक्स कर लेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला दे दिए। मसाले को यदि आप दही के साथ पहले ही मिक्स कर दीजिएगा तो दही देते टाइम फटेगा नहीं। अभी हम एक पैन पे तेल गरम करके उसमें अंडे को दे दिए। अंडे जैसे ही थोड़ा फ्राई हो जाएगा इसको उठा के दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर उसी पैन पे तेल दे के इसमें गोटा जीरा दे के थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें काटी हुई प्याज, हरी मिर्च दे के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन को जो क्रश करके रखे थे वो भी दे दिए। अब हम टमाटर का पेस्ट देंगे। थोड़ा पकाने के बाद साथ ही नमक ऐड कर देंगे। फिर इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। तो देखिए मसाले से तेल अलग हो गया। अभी दही का जो मिक्स बना के रखे थे वो दे देंगे। और साथ ही अच्छे से चला लेंगे। तो मसाले से तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें पानी डाल के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा होने के बाद
इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को गरम कढ़ाई में हल्का सा भून लिए थे। ऐसे करने से कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो खुल जाता है। अभी अंडे को जो पहले ही भून के रखे थे वो भी दे देंगे। इसमें थोड़ा ऐसे काट कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो पूरा अंदर में घुस सके। अभी अंडे को मसाले के साथ थोड़ा मिला के फिर इसमें पानी डाल के लो फ्लेम पे ढक के 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो मेरा पंजाबी एग मसाला रेडी हो गया। अभी इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।